Assalamualaikum everyone, this is me Sabah Umar and welcome back to my YouTube channel with another vlog. कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे, अपने घर में आबाद होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज है 27वीं इफ्तारी और रमजान कैसे आया, कैसे गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बहुत अच्छे रोजे गुजर गए, पता ही नहीं चला। वो बिल्कुल होता है ना, एक मेहमान आया और जाने की तैयारी पकड़ ली, पता ही नहीं चलता टाइम का। तो जी इसी तरह हुआ हमारे साथ, तो अल्लाह ताला हमें अगले साल भी रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। और बाकी आप सब लोगों को लैलतुल कदर का दिन और रात बहुत बहुत मुबारक हो। सो जो आज हम लोगों ने नियाज बांटनी है, और आज हम लोगों ने बांटनी है जी जर्दे की देग, और सारी बांटनी हमने तकरीबन गरीबों में, क्योंकि ज़्यादा हक गरीबों का होता है। अमीर तो किसी भी तरह खा लेता है, ज़्यादा हक गरीबों का इसलिए ऐसा होता है कि उनको ये चीज़ें जो है वो बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि देखा जाए तो जो अमीर होता है ना वो बहुत कम होता है कि यार वो दूसरों को चीज़ दे। और लाइक एक मिसाल है कि पंजाबी में कहते हैं ना, खाते को कोई देख नहीं सकता, और जो जिसके पास कुछ नहीं है उसको कोई दे नहीं सकता। सो गाइस इस तरह गरीबों का ज़्यादा ख्याल रखा के, क्योंकि कुछ सफ़ेदपोश ऐसे होते हैं जो कि नहीं बता सकते कि जी हमें ज़रूरत है, पर आप लोगों को खुद फील करना चाहिए कि यार किसको किस तरह किस कितनी चीज़ की ज़रूरत है। तो ज़रूर हम चाहे उनके हकूक़ का ख्याल रखें, रिश्तेदारों के हकूक का ख्याल रखें। सो गाइस अब हम लोग नीचे चलते हैं क्योंकि जी देख आने वाली है, तो फिर रुक गया। यहाँ पे मैं अपनी सबसे पहले क्लीन करने लगी हूँ आईब्रोज, क्योंकि आईब्रोज मैं अपनी खुद बनाती हूँ। और ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ मेरी आईब्रोज कितनी रफ है। तो यहाँ पे हम अपनी आईब्रोज क्लीन करते हैं, अपर लिप्स क्लीन करते हैं ताकि फेस थोड़ा सा हमारा नीट हो जाए। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये देखिए मैंने अपनी आईब्रोज जो है अपर लिप्स और ये मैंने सारा क्लियर कर लिया, इट मीन्स के आई एम रेडी। और ये मेरी मतलब ईद की तैयारियां जो मैंने मैक्सिमम 4 to 5 days पहले स्टार्ट की हैं, जिसकी क्योंकि सडनली आप एक दिन अपनी तैयारियां कंप्लीट नहीं कर सकते। और आज है 27वां रमज़ान, लैलतुल कदर की रात हम लोगों ने थोड़े बहुत नवाफिल जितने पढ़ सकते थे, जितनी इबादत कर सकते थे उतनी सी वो की, उसके साथ रोज़ा रखा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा जब वो अभी तक लगना शुरू नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। और इसके साथ साथ ये था कि अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो कल पे रखा हुआ है, और कल मतलब जो नेक्स्ट लोग है उसमें मैं अपनी स्किन की स्किन पॉलिश लाइक क्लिनजिंग और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो करते हैं, उसको वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज का जो था उसमें मैंने ये सारा अपना फेस जो था उसको काफ़ी तक क्लीन किया है, देखें मेरे बिल्कुल नीट हो गया। और ये मैंने खुद बनाई है थ्रेड से, ठीक है जी। और अब करते हैं जी इफ्तारी की तैयारियाँ शुरू। तो जी यहाँ पर हम दौड़ना हो कि त्यौहार शेयर रुक गए, ठीक है जी। सोना पड़ा बेबी बन गया मामा का, ना हमने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ाए आज मामा दाम को। और फिर रैन सो गई है और रियान अपना खेल रहा है। अच्छा जाओ। और जैसे कि आप लोगों को ये मेरी एक आईब्रो थोड़ी सी नीचे और एक थोड़ी सी ऊपर की तरफ लग रही होगी, इसका जो है ना रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी एक आईब्रो है डार्क और एक है लाइट, ठीक है। अब आपको लेफ्ट लग रही होगी कैमरे में, और यहाँ पे मैं हल्की सी पेंसिल लगा के इसको कवर करती हूँ, जिससे मेरी दोनों आईज हैं वो इक्वल लगती है। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल लग रही है। तो जी आज हम लोग बांटने जा रहे हैं नियाज, और नियाज में क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ, और बाकी बातें करेंगे बात। यहाँ हमारी जो मतंजन की देग है वो आ चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं क्या कर रहे थे। बोलो तो जी देखें मैं आज देग के अंदर घुसे हैं कि आज हमने बांटी थी नियाज,
थोड़ा तेरा कबूल फरमाए, हमारे का हाथ जल गया। सारी प्लेट्स और लिफाफों को फिल करने का सारा काम उमैर ने सर अंजाम दिया। माहे रमजान में ताक राते भी है जिनमें बख्शिश का एक खास फरमान है। आज उमैर हमें खिलाएंगे पिज्जा और इफ्तारी में, क्योंकि हम इफ्तारी में कुछ नहीं बना रहे सिवाय दूध सोते। तो अब हम चलते हैं ऊपर और ये छोटे छोटे पैकेट्स बने हुए हैं, जो जो आ रहा है उसको हम साथ साथ देते जा रहे हैं। तो जी यहाँ हम ऊपर आ गए और यहाँ देखें हम दामी कितना प्यारा लिखा हुआ है माशाल्लाह, उसकी हैंड राइटिंग चेक करें कितनी प्यारे। हमदान एक सेकंड, व्हाट इज दिस सैड, ठीक है मुझे बताया, मुझे नहीं पढ़ना आता, व्हाट इज दिस, आवाज ही नहीं आई। और ये क्या है, मेरिकुलस लेडी बग कैट नॉय द मूवी, और ये लिखा है हमदान ने, ये मेरे जीनियस बेटे, जीनियस जीनियस, जरा इधर मुंह करो, इधर मुंह करो जीनियस, इधर एक पार्टी दे दो जीनियस, एक पार्टी और चप्पी दे दो प्लीज। आई लव यू मामा, ओके आई लव यू डैडी, आई लव यू डैडी, ओके थैंक यू हमदान, ओके ओ माय गॉड। सी रियान हाउ आर यू, दे तो मुझसे तो बात करनी, पहले मुझसे बात करनी, तो मैं मोबाइल ले लूंगी, मुझसे बात करनी, हेलो फ्रेंड्स कर दो, ऊपर देख के देखो ना, फ्रेंड्स कहेंगे लो जी तो मुझे देखते ही है, ऊपर देखो ना, हेलो उनसे बोलो आज बोले ना अगले, ओके बोलो, हाउ आर यू ऑल, सब कैसे हो, सब कैसे हो, अच्छा अब एक मजे की चीज तो बोलनी है, वो देखो इधर देखो आप, बोलो बोलो दारिया बोलो सब्सक्राइब, यार आप मेरा मूड खराब हो गया था, चलो जी इसने नहीं बोलना। सो अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना, आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो जी चलते हैं नमाज वमाज पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है जी नमाज का, 5:45 हो गया। यहाँ पे हुरैन की मैं जितनी बार से पोलियाँ करती ना, हुरैन बाजी अपनी पोली उतार देती है, तो मैंने यहाँ फटाफट से उसको खाना खिलाना था, मैंने उसकी मिड में ही स्टार्ट पे पोनी कर दी कि यार एटलीस्ट खाने खाते हुए उसको बाल डिस्टर्ब ना करे, रेहान साइड पे हो जाओ। तो जी यहाँ पे रेहान ने हुरैन को दिया है धक्का और अब चेक करें उसकी टांगों से उसे गिर रहा है, कितना इंजॉय करिए अपने भाई के साथ, चोट लगेगी जानो, प्यार से करती आप ना लड़ाके हो गए यार, ओह माय गॉड, ओह मेरा मोबाइल बचाओ। देख अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए जाके सबसे पहले मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना हमने बिल्कुल भी नहीं भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाए, और साथ ही साथ जो वीडियोस मिस हो गई है वो भी आपको टाइम टू टाइम शो होती रहेंगी। सो अब हम करने लगे हैं जी इफ्तारी, क्योंकि उमैर को भेजा है हम लोगों ने पिज्ज़ा लेने, क्योंकि आज दिल कर रहा था इफ्तारी में कुछ ना बनाया जाए, सिर्फ और सिर्फ पिज्जे से इफ्तारी की दूध छोड़ा पिया जाए विद चिया सीड्स लाइक, और साथ ही साथ हम लोग इफ्तार करेंगे पिज्ज़ा, क्योंकि पिज्ज़ा हमदान का भी मोस्ट फेवरेट है, तो मैंने सोचा कि यार आज क्यों ना वो चीज़ की जाए जिसमें बच्चे भी खुश और हम भी खुश। सो गाइज आई होप आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, इसके साथ साथ आप लोग भी खुश रहें, दूसरों को खुश रखिए और दूसरों का ख्याल रखें, अपने साथ साथ बड़ों की इज्जत करें। सो हम अपना व्लॉग जो है वो करते हैं यहीं पर एंड, सो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।